फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे विंडोज के विंडोज 10 या विंडोज 7 आप यूज कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी आ सकता है। क्या प्रॉब्लम है मैं दिखा देता हूँ। कुछ कुछ लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे कंप्यूटर में खुद आया था, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ये देखिए, योर कंप्यूटर इज लो ऑन मेमोरी, टू रिस्टोर एना मेमोरी फॉर प्रोग्राम टू वर्क करेक्टली सेव योर फाइल एंड देन क्लोज और रिस्टार ऑल ओपन प्रोग्राम। ये कह रहा है आपके पास जो मेमोरी है ये लो है, ठीक है। इसको ये प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करेंगे मेरे वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। लेट्स गो, फॉलो मी स्टेप बाय स्टेप। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जाना होगा पहले दिस पीसी और विंडोज के अंदर। दिस पीसी होता है विंडोज 7 के लिए, माई कंप्यूटर होता है विंडोज 8.1 के भी दिस पीसी होता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम बेसिकली विंडोज 10 या विंडोज 7 में आता है, ठीक है। पहले इसको इस कंप्यूटर आइकन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इसको ऊपर प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। नेक्स्ट आपको जाना होगा विंडोज 10 या विंडोज 7 के अंदर सेम फीचर सेम लिखा हुआ है, आप खुद देख लीजिए। मेरे वीडियो को देखते देखते आप करते जाइए, ये प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाना होगा। यहाँ पे देख लीजिए एडवांस सिस्टम सेटिंग। नेक्स्ट पहले इसको ऐसे करके पॉपअप ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना होगा नेक्स्ट एडवांस टैब के अंदर। एडवांस टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे 3 सेटिंग्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना होगा परफॉर्मेंस वाला सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर शेड्यूलिंग एंड मेमोरी यूजेस एंड वर्चुअल मेमोरी, इसके अंदर जाना होगा सेटिंग्स के। सेटिंग्स के जाने के बाद ऐसे करके पॉपअप ऑन हो जाएगा। उसके बाद जाना होगा आपके फिर से एडवांस टैब के अंदर। यहाँ पे आप आके देख सकते हो आपके पास वर्चुअल मेमोरी करके एक छोटा सा कमेंट लिखा हुआ है। फिर जाना होगा चेंजेस पे। चेंजेस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग पेइंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये मैनेज कर लेगा कितने रैम चाहिए कितना मेमोरी चाहिए, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ये चेकमार्क को हटा दीजिए, आप चेकमार्क लगाइए कस्टमाइज के ऊपर। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे इंस्टॉलाइज मैम। यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड जितना भी मैम है आपके कंप्यूटर में दिखा देगा कि रिकमेंडेड इंस्टॉलेड फिजिकल मेमोरी कितना है। ये जो 5230 MB का जो रिकमेंडेड है इसको यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं हम लिखूंगे नहीं क्योंकि मैंने पहले से इसको कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद मास्ट आपको रिबूट करने के लिए ये मैसेज देगा, ठीक है। रिबूट कर लीजिए। रिबूट करने के बाद ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। नहीं हुआ तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% गारंटी के साथ देता हूँ ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको ओके करके क्लोज कर दीजिए, ठीक है। आप उसको वहाँ पे सेट करने के बाद ओके करेंगे तो आपको रिस्टार्ट करने के लिए एक मैसेज होगा। ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपके सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली काम करेगा, ठीक है। ये मैसेज कभी नहीं आएगा, ठीक है। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।